सर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षकों को 3 दिन में रिकॉर्ड ये देना होगा, यानी काउंसलिंग जो है बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में कई लोग को जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में यानी यूआर में या फिर SC ST का बेनिफिट मिल चुका है, जो कि फर्जी डिग्री कर बना करके कई लोग इसमें, मेरे पास भी कई लोग का कॉल आया था कि सर 5 शहर में डोमिसाइल बना, हालांकि डोमिसाइल बनाने में आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होता है, फ्री में आपका ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं तो बन जाती है, बट इन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये दे करके पश्चिम चंपारण, कैमूर, जो रोहतास, ये जो आपको बॉर्डर से सटे हुए जितने राज्य हैं, आपको जितने जिले हैं आपका यूपी में, ये लोग फर्जी डिग्री बना करके डोमिसाइल और आपका SC का ST का सर्टिफिकेट और इवन EWS का सर्टिफिकेट बना करके वो घुस चुके हैं। अब इन सभी को छाना जा रहा है, यानी कि इस तरह से इसको फिल्टराइजेशन करके बाहर किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लियर किया गया है, ऐसे लगभग TRE 3 में जो है बैकलॉग सभी दिया होगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारी चीज़ें, आप यहाँ से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आपका ये राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना चाह था आरक्षण, लेकिन उसका मिला है। BU जो है आपका शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन का दिया गया है आदेश। आपका BPSC के से नियुक्त सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज हो रही है, जिले में कितने शिक्षक सूबे से बाहर के हैं उनकी सूची के साथ साथ ही उनकी प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया गया है। ये आज का न्यूज है, देख सकते हैं। BPSC से पहले और दूसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों का यह मामला है कि राज्य के बाहर के शिक्षकों के किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। विभिन्न जिलाओं में अंकों के पर छूट पाने लेने का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में सूबे में बाहर के शिक्षकों का रिकॉर्ड आपको मांगा, खंगालने का काम किया जा रहा है, खंगाले जा रहा है। सभी BU ने आपका ऐसे शिक्षकों को प्रमाण पत्र के सत्यापन का आदेश दिया गया था। अब तक जिले की में सूची नहीं मिली है, 3 दिन का अल्टीमेटम अभी BU को दिया गया है। ये काउंसलिंग के समय हटाए गए ये दर्जन भर अभ्यर्थी जो आपका है DPO के स्थापन, हाँ, नासिर हुसैन ने बताया कि दोनों चरणों की नियुक्ति में जिले में पदस्थापित अन्य राज्यों को के अध्यापकों का फोल्डर जो है उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। आप लोग फोल्डर बना करके DB के टाइम आपने दिया था, TRE 1 और TRE 2 के दौरान, उस सब का फिर से सत्यापन होगा। विभाग के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न अध्यापकों में पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जानी है, ताकि पता चल सके कि विभाग के रोक के बाद भी उन्होंने आरक्षण का लाभ तो नहीं ले लिया है। DPO के कहना है कि काउंसलिंग के आपके क्या कहा है, तो काउंसलिंग के समय जिले के एक दर्जन से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों को हटाया गया था। तो ऐसे हर एक जिले में निकल के आ रही है, सिर्फ आपका ये मुजफ्फरपुर के न्यूज नहीं बल्कि पूरे पूरे इंडिया कर सकते हैं, पूरे 38 जिलों के बिहार के आपकी स्थिति निकल के आएगी। पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, आपके दरभंगा हो, गया हो, लखीसराय हो, या पूरे जितने भी जिले हैं उस सबका आपका फिल्टराइजेशन करके सभी लोग को बाहर किया जाएगा। कई लोग का मैंने लिस्ट आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, अभी अभी आपको दिखा सकते हैं, जो कि इन लोगों को लाभ मिल गया था। और ऐसे लोग हैं जो कि सारण से 41 लोग को बाहर किया गया था, ये लोग हैं जिनको आरक्षण का फायदा हुआ। TRE 1 में देख सकते हैं, ये 1-5 में चयनित हुए। शिवानी खुशबा आपका जो इसका रोल नंबर के साथ आपका प्रमाण संख्या है, और इनको भी चयनित कर गया था, जिनको 60% मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी सिलेक्शन से इन लोग का हो चुका था। इन सारे लोगों का बेनिफिट अब PRT में भी होगा। कई लोग बोल रहे थे सर PRT में बैकलॉग की संख्या यानी कि सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल इनकी भी रोस्टर के लिए भेजा गया, क्लियरेंस के लिए। आप लोग की संभावना है कि 22 या 23 अगस्त तक आपको सारे चीज़ क्लियर देखने को मिलेगा कि कितने सीटें PRT में बढ़ता है, कितना आपका 6 to 8 में, कितना आपको 9 से 10 में, कितने आपके 11 से 12 में सीटों की संख्या बढ़ेगी। कल्याण विभाग में भी आपका कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा, आपने ऑलरेडी कल भी आपने पूछा था सर म्यूजिक TGT में बढ़ेगा कि नहीं, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है म्यूजिक TGT के लिए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, कितनी बढ़ेगी क्या है इसका कोई भी क्लियरिफिकेशन आपको 2 से 3 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा, 2 से 3 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, अगर कोई और क्वेश्चन रहता था आप पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन रहता था आप पूछ सकते हैं। सेम चीज़ें 2 दिन पहले भी प्रकाशित हुआ था, आपका देख सकते हैं 22 तक आपके सारे क्लियरेंस देखने को मिलेगा। TRE रिजल्ट के बाद भी बैकलॉग के सहित 22 अगस्त तक आपको रोस्टर क्लियरेंस शिक्षा विभाग की तरफ से मांगा गया है। आप लोग ये सारी चीज़ें आप वेट कीजिए। अब कई लोग बता रहे हैं 38,000 या 40,000 सीटों की संख्या बढ़ेगी, अब कितनी बढ़ेगी एग्जैक्ट डाटा आपको कुछ दिन में पता चलेगा। अभी अनुमान तक यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको जारी किया गया है, 38,000 पदों पर होनी है बहाली। DBO के आपके DO के निर्देश पर आपका TRE 3 के लिए बैकलॉग सहित जो है 22 तक भेजे जाएंगे रोस्टर। तो ये सारी संख्याएं अभी बताई जा रही है। हरे कृष्णा सर,
हरे श्री कृष्णा जी। चलिए नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको कल तक आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, कल परसों तक आपको सारा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम ज्योग्राफी आपका कंप्लीट स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया था। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। इसी वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। पीआरटी में सच तक आपका पीआरटी में आपको बता देते हैं, एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं सभी लोगों का पीआरटी के लिए। आप देख लीजिए EWS में 65 में चांसेस है, 65 में चांसेस है, ये देख सकते हैं। EWS का आपका है, ये आपका जनरल का रहने वाला है। इवन आपका कटअप जो है सीटों पर संख्या पर भी डिपेंड करेगा, अगर आपको सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो ये कटअप और भी डाउन होगी। तो ये सारे फिर से हमको रिफ्रेश करके फिर से बनाना पड़ेगा। आफ्टर एंसर की एक बार वेट कर लीजिए एंसर की का, और दूसरा वेट हम करेंगे आपका कितने सीटों की संख्या बढ़ती है, चाहे PRT का हो या 68 हो, 9th से 10th हो, 11th से 12th का है, सभी को देखने के बाद जारी किया जाएगा। अभी के अनुसार यानी वर्तमान जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपका इस तरह से कटअप रहने वाले है। PRT का 65 से 70 के बीच में, EBC का इस तरह रहने वाला है, और आपका BC का है, ESC का है, ESTI का है। PRT OBC में 72 में हो जाएगा राकेश यादव। चलिए नेक्स्ट, अब डिले होगा, दीपक पूछ रहे रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट अब आपको डिले होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका चांसेस था कि आपका 12 सितंबर तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे रीजन्स के कारण सीटों की संख्या, 50% रिजर्वेशन, वन सीट वन रिजल्ट के लिए बहुत लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, टीचर्स के साथ अभी सभी लोग। मैंने स्टार्टिंग TRE 1 से बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, वन सीट वन रिजल्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। और DV पहले होना चाहिए, काउंसलिंग पहले हो, ताकि इस तरह के जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो 60% मार्क्स नहीं होते हैं, ये सारे लोग बाहर हो जाएंगे, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। जो जिनके पास डॉक्यूमेंट सही है, जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन सभी आपका डॉक्यूमेंट सही है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो फर्जी डिग्री वाले हैं उन लोग पर अब दिक्कतें आने शुरू होगी, उनके सर पर पसीने आएंगे, वो घर छोड़ के भागेंगे, यानी इन द सेंस कि स्कूल भी छोड़ेंगे और घर भी अब वो मुँह दिखाने जा नहीं सकते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो फर्जी डिग्री वाले सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, बेहतर है कि आप जाइए नहीं। कई लोग तो लास्ट टाइम DV से पहले TRE 1 और TRE 2 से पहले कॉल करके पूछ रहे हैं, सर मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने यहाँ से बनवाया है, यहाँ से ये मैंने गलत किया, जाऊँ या नहीं जाऊँ। नागालैंड से कहीं उधर से रहने वाले UP के हैं, MP के हैं, या फिर बिहार से कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, तो प्रयास कर रहे थे, मैंने बोला मत जाइए। कई लोग उसके बावजूद भी यहाँ पर जो गए हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब इनको बाहर किया जा रहा है। ये दे सकते हैं, कई लोग हैं इसमें, नाम आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोगों को हर एक जिलों में, ये सिर्फ सारण की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, दरभंगा की बात नहीं है, ये आपके पटना की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं जो कि जाकर के ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी स्थिति देख चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, कई लोग को जो है आपका सैलरी भी मिल चुका है, तो सारे प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सर, DV से पहले आपका होना चाहिए। दीपक जी ऑलरेडी आपने काफ़ी सपोर्ट किया है इसको, आप वीडियो कंप्लीट होता है या जिस भी वीडियो में जाते हैं तो वो दो डिमांड आप कीजिए हर बार, एक तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की है, दूसरा आपका DV काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग कहिए, DV कहिए, या फिर डिग्री आपके फर्जी डिग्री वालों को निकालने का एक प्रक्रिया कहिए, कुछ भी आप नाम दीजिए, ये सारे निकल जाएंगे तो जो सही हैं उनको आपको बेनिफिट होगा। जो सही डिग्री जिनके पास है, जो रियल हकदार बनते हैं, जो रियल उसके काबिल बनते हैं, जिसने मेहनत किया है, जिसने उसके हकदार बनते हैं, जो रियली में 70 नंबर या 80 नंबर अपने दम पर लाया है, कोई छोटी जमाटी नहीं किया है, किसी ने क्यों नाम पैसे दे करके नहीं लाया है, तो उसको वो हकदार बनता है। इवन मैं उसको हकदार मानता हूँ जो 50 नंबर भी अपनी मेहनत से लाया है, उसको हकदार मानता हूँ। रेदर दिन की जो चोरी करके या फिर चीटिंग करके 90 नंबर लाया, वहाँ पर दिखेगा, 50 नंबर को मैं ज़्यादा काबिल मानता हूँ जो अपने दम पर लाया है। TGT हिंदी में आपका 70 बन रहा है, ABC में चंदन कुमार चांसेज है उसमें। हिंदी का कटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का ही रहने वाला आपका 79 से 83 रहेगा आपका UR के लिए। ये फीमेल का रहेगा 74 से लेकर 76। ये EWS का है, ये आपका आपका फीमेल का है, ये आपका EBC का है, ये BC का है, और ये ST का आप देख सकते हैं। आपका कैटेगरी कौन सा था, TGT हिंदी EBC का, EBC का आप देख लीजिए, मेल का ये रहने वाला है 70 से 75 के बीच में।
मेल, अगर आप फीमेल हैं तो 63 से लेकर के 68, तो सेफर साइड में आप हैं। 70 नंबर आपका बन रहा है फीमेल में, तो आपका सेफर साइड में। सीटों की संख्या और भी बढ़ेगी, तो और भी जिन लोगों का नंबर बाउंड्री के आसपास में, इवन 5 से 10 नंबर अगर आपका कम भी आ रहा है, तो आप होप रखिएगा, आशा रखिएगा कि शायद आपका चांसेस बनेगा। 5 से 8 या 10 नंबर वाले को भी चांसेस बनेंगे। सर प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि अदर स्टेट वाले की किस में काउंट होगी, TRE3 में आपका? अगर फीमेल में है तो आपका, यू आर फीमेल, यू आर मेल हैं तो मेल में आपका काउंट होगा, इसमें आपका कैलकुलेशन होगा। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में कैलकुलेट होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, और आपका 1 से लेकर के 8 तक आपका 50% महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, 50% वर्टिकल रिजर्वेशन होता है आपका, ओरिजेंटल वर्टिकल, और यहाँ पर 9 से 12 वालों को 35% रिजर्वेशन होता है। बिहार शिक्षा विभाग का है, पता नहीं क्यों यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, या तो 35% दोनों में कर दिया जाए या 50% दोनों में करना चाहिए था। चलिए जनरल में होगा आपका, हाँ जी जनरल आपका मेल फीमेल में, आपका जनरल फीमेल में ही आपका कंसीडर होगा। साउंड कम है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ साउंड कम है या फिर आप में कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट। एज पर नोटिफिकेशन आपका मेल में काउंट होना चाहिए, बट TRE1 और TRE2 के दौरान जो है आप लोग का फीमेल में भी लोगों को घुसाया गया है, फीमेल में लोगों को कंसीडर किया गया है, तो इसलिए मैं मेल फीमेल दोनों को सीट को मान सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस इज ओके और नॉट। यहाँ पर मेरे पास साउंड क्लियर आ रही है। एक बार अपन अपना जो भी फ़ोन आप यूज कर रहे हैं या हेडफोन यूज कर रहे हैं या फिर एयरबड यूज कर रहे हैं, उसको आप चेक कर लीजिए, हमारे पास वॉइस क्लियर आ रही है, हमारे पास वॉइस क्लियर आ रही है। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही है। आपका दोनों, आपका यू आर फीमेल में काउंट होगा, यू आर फीमेल में ही आप मान के चलिएगा, यू आर फीमेल में ही कंसिडर। चलिए नाइन्थ से टेंथ में आपका OBC में आपका फीमेल में 65 है एनी चांसेस, देखिए 65 वाले आप चेंज कर लीजिए नाइन्थ से टेंथ में साइंस का ही। OBC का ही रहने वाला आपका 71 से 75 के बीच में रहेगा, और आपका EBC में अगर है तो आपका 64 से लेकर 69 के बीच में रहने वाला है, ये फीमेल का। एग्जैक्ट राजा जो आप पूछ रहे हैं, आपका म्यूजिक में कितने सीट बढ़ेंगे या फिर किस में आपके कंप्यूटर साइंस में कितना बढ़ेगा, ये सभी सब्जेक्ट के लिए गया है। कई लोग बोल रहे हैं 9 सब्जेक्ट का आपका 9th से 10th, 11th से 10th का भेजा गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये रोस्टर क्लियरेंस के लिए मैंने कल भी आपको दिखाया था, वो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए भेजा गया है। आपका जितने भी 9th से 10th का सब्जेक्ट है, आपका 11th से 12th का सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में बढ़ेंगे। अब कितनी बढ़ेगी, कितनी संख्या बढ़ेगी, ये आपका अभी तक क्लियर नहीं है, आपको कल या परसों में आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PGT हिस्ट्री में 65 में SC में हो जाएगा नीरज। चलिए इसी के साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियोज पर जो आपका है, मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और कल यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और यहाँ तक समझाया था, इसी वीडियो को बाद में एडिट करके हम आपको दे देंगे, जो भी क्वेश्चन आपका रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिनको इस ज्योग्राफी इसके साथ कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। बिहार का ज्योग्राफी हम करा रहे हैं अभी, इडिटेरिया का ये फ्री का नंबर रहता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, हिस्ट्री से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से उससे थोड़ा कम यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक से 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का एक पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया था, यहाँ तक आपको बता चुके थे हम, यहाँ तक हम बता चुके थे। चलिए आगे कंटिन्यू करें, यस नो में भी बता दीजिएगा। आपका 63 सर उर्दू का 60 बन रहा है फीमेल में 9th से 10th में, क्या बिल्कुल चांसेस वहाँ बनता है। PRT में EBC में 60 है,
ईबीसी फीमेल में आपका हो जाएगा। ईबीसी का मैंने आपको दिखाया हुआ था, पीआरटी के एक बार देख लीजिए, जो लोग भी पीआरटी के हैं। ये आपका रहने वाला यूआर का है, ये आपका ईडब्ल्यूएस का है, मेल फीमेल आप देख लीजिए। ईबीसी का यहाँ रहने वाला है, ईबीसी में आपका अगर 60 बन रहा है पीआरटी में फीमेल में, तो आपका नो डाउट्स आपका 4 नंबर ज़्यादा ही है, तो आपका सेफर साइड में है। ठीक है, इवन आंसर की आने के बाद भी आपका चांसेस। थैंक यू सर क्लियर करने के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत कन्फ्यूज कर रहे थे लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपको सॉल्यूशंस मिल चुका है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपको जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप पर्सनल में व्हाट्सअप या टेलीग्राम में आप कॉन्टेक्ट करके, आप कोई भी लोग हो, चाहे श्वेता हो, श्वेता संगोर, या कोई भी अपने कोई भी स्टूडेंट हो, अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन आप पा सकते हैं कोई भी लोग। चलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी समय से, ये आज की नहीं बल्कि TRE1 से पहले जो आपको नोटिफिकेशन आया, उससे पहले जो आंदोलन हुई, उससे पहले की सारी घटना में ये रूबरू देखा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। 4 सालों से इसमें कंटिन्यू हम इसमें समय दे रहे हैं, तो मुझे वो और सारे चीज़ों की इंटरनली जानकारी होती है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ 4 सालों से इसके। ओके, थैंक यू सर विवेक कुमार, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जो लोग स्टडी करना चाहेंगे कर सकते हैं, जिन लोग को आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया है आप जा भी सकते हैं। EWS में आपका हो जाएगा 81 बन रहा है हिंदी में आपका 68 के लिए, 68 में आपका 87 आ रहा है, डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी श्वेता। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कहाँ तक मैंने करवाया था, हाँ यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। किसी क्षेत्र के दर आपका दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसको कहते हैं, किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन, जैसे आपका एक समय सीमा होता है, हमारे जो मौसम चेंज हो जाता है जनरली 3 महीने में आपका चेंज हो जाता है। 3 महीने आपका शीत ऋतु होता है, फिर गर्म आपका होता है, फिर आपका वर्षा ऋतु होता है, फिर आपका शरद ऋतु होता है। तो दीर्घकालीन ये नहीं कि आज आपको वर्षा हो रहा है तो कल आपका शरद हो गया, फिर आपका ग्रीष्म हो गया, इससे नहीं होता, बल्कि कुछ समय आपका होल्ड करना चाहिए था। 90 डेज आपका जो होल्ड करता है उसको दीर्घकालीन समय कर लिया करता है। तो उसकी औसत दशाओं को, यानी औसतन जो आपका टेम्परेचर देखते हैं, जैसे आपकी गर्मी का सीजन कंप्लीट हुआ, फिर वर्षा का सीजन आपका शुरू हो गया, फिर आपका शरद आएगा, फिर आपका शीत ऋतु आ जाएगा, तो उस एक कंटिन्यू देखा जाता है कि हाँ इस समय जो टेम्परेचर है आपका मई जून जुलाई का देखा जाता है कि 40 के आसपास टेम्परेचर है, और इससे ज़्यादा है तो और ज़्यादा कहते हैं गर्मियों से जो है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ठंड के समय में क्या होता है, तो 5 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, 5-10 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, और हमारा बॉडी क्या करता है, ट्राई टू मेंटेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में मेंटेन करने की कोशिश करता है, और फॉरेनहाइट में देखेंगे तो 98 पॉइंट समथिंग आपको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ठंड के समय में क्या, हम लोग स्वेटर जैकेट निकाल करके या कम्बल ओढ़ करके बैठ जाते हैं। गर्मी के समय में क्या है, वही हल्के फुल्के शॉर्ट या मतलब छोटे छोटे कपड़े या भी कर सकते हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो जलवायु के बारे में समझ रहे थे, जलवायु किसको कहते हैं, किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को हम कहते हैं जलवायु कह सकते हैं। आई होप कि समझ पाए होंगे, कोरिलेट कर पाए होंगे। उर्दू के लिए 60 बन रहा है फीमेल में 9th से 10th में, हाँ EWS में चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट है 100%, हाँ जी दीपक जय, 87 में 100% होगा। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। अब जो लोग का क्वेश्चन होगा मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा बीच बीच में, बट आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो लोग थोड़ा ही ज़्यादा नहीं समझ लेंगे, 20 से 25 मिनट हम डेली आप लोगों को भली बात ही पता है, शॉर्ट में आप कंप्लीट करते करते आपका हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया, घटना चक्र आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, क्योंकि आप लोग का भी एक कैपेसिटी होता है 20 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट हम पढ़ाएंगे, तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसको आप माइंड में रख सकते हैं। ये नहीं कि हम आपको मैराथन आपको क्लासेस दे दें, 10 घंटा के क्लासेस दे दें, और आप लोग उसको, आप खुद देखिए कि YouTube पर कई लोग हैं जो कि इसी को रिकॉर्डेड को एडिट करके उसको ऐड कर करके बाद में, क्योंकि क्लासेस को भी 10 घंटे 12 घंटे नहीं लेते, जो लाइव लेते हैं वो जो बड़े कोचिंग वाले उसका अलग छोड़ करके, जो हैं वो छोटे छोटे जो वीडियो बनाते हैं 1-1 घंटे का बनाएंगे, लास्ट में 10-12 दिन का इकट्ठा करके वो ऐड करके आपको दे देते हैं कि इस बुक का आपका कंप्लीशन हो गया, ये फलाना बुक का आपका कंप्लीट हो गया, घटना चक्र कंप्लीट हो गया, एडिटोरिया कंप्लीट हो गया, आपका XYZ हो जो भी बुक हो गया कंप्लीट, उन लोगों का 10-12 दिन का मेहनत होता है, और आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक ही दिन में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी डाइजेशन सिस्टम जैसे होता है, खाना खाते हैं तो 3 टाइम या 2 टाइम आप खाना खाते हैं, आपका शरीर के लिए रहता है, सही रहता है, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप कोशिश करेंगे एक ही दिन में सब चीज़ डाइजेस्ट कर लें, 10 दिन का खाना खा लेंगे, तो आपका हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। उसी तरह से पढ़ाई में ही होता है, 10 घंटे मत पढ़िए डेली, मैं नहीं कहता हूँ कि आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ पर डे आप कम से कम 4 से 6 घंटा जरूर पढ़िए, और माइंड को रेस्ट दे दीजिए, उसको
डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, मतलब डाइजेस्ट होने दीजिए आप ऑटोमेटिकली, जो नेचुरली होता है उसको रिवाइज कीजिए, पेपर पर लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आपका काम है। इसके किसी तरह से जो शब्द नहीं आता है उसको नोट्स करिए, ये नहीं कि आपको सारे चीज़ बुक्स में, इतने बुक्स आपके पड़े होंगे आपके साइड टेबल पर, आपके बुक्स आपके घर पर पड़े होंगे या पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा टेलीग्राम ग्रुप, आप यहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे तो हज़ारों से ज़्यादा मैंने खुद पीडीएफ दे दिया, तो वो सभी को याद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, जैसे TRE4 के लिए देख रहे हैं या TRE3 आपने एग्जामिनेशन दिया, उसके रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हैं। कोई भी लोग 100% कंपटीशन में नहीं लाता है नंबर, इवन UPSC BPSC भी भी देखेंगे तो 60% में रिजल्ट आपका हो जाता है, टॉपर के लिस्ट आते हैं 60% से 65% में। और वन डे एग्जामिनेशन होता है जैसे कि आपका ग्रुप डी NTPC होता है, उसमें थोड़ा सा कटअप 70 तक चला जाता है, 70 से 75 तक जाता है। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको 100% मार्क्स लाना है, बट उतना लाना है ताकि आपका कटअप से आपका 2 से 4 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा आए, बस उतना ही आपको प्रयास करना है, 2 से 3% एक्स्ट्रा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, यह बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है, जिसको उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं, अक्षांशीय स्थिति उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी से जो दूरी के कारण उच्च आपका होता है, उसके बाद आपका मानसून का प्रभाव इत्यादि, ये सारी स्थिति के कारण बिहार को जो मानसून मिलता है, बिहार का क्षेत्रफल देखेंगे जो मानसून का प्रभाव आपका पंजाब का या जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट मिलता है, सर्द हो गर्मी हो वहाँ पर कम देखने को मिलता है, दिल्ली से कंपैरिजन करेंगे तो उसका कम मिलेगा आपको, जलो आपको महाराष्ट्र से कंपैरिजन करेंगे तो कम देखने को मिलेगा, आप बेंगलुरु से कंपैरिजन करेंगे तो उसका आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये सारे रीजन से क्योंकि पठारी भाग है, यहाँ पर मैदानी भाग है, इसका अलग डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार के उत्तरी भाग आपका है या दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न आपका जो है भूगोल वेताओं ने बिहार के जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो इसका वर्गीकरण का क्या है आपका, सर जी इज देयर एनी अपडेट अबाउट द वन सीट वन कैंडिडेट। देखिए सभी का विवेक आपका वन सीट वन रिजल्ट के लिए आप लोग अभी सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आया, ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आया, तो अभी लोग सभी लोग डिमांड ही कर रहे हैं, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, नेतागण भी अभी इसमें कूद पड़े हैं, यानी आप लोग के डिमांड के साथ में है, जो पक्ष अभी पक्ष वाले कई लोग हैं, लेकिन BPSC की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा ऑफिशियली नहीं आ रहा, आप लोग डिमांड कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। कोपेहन जो है आपका जलवायु जो है आपका भूगोल वेत्ता जितने भी लोग हैं यानी ज्योग्राफिस्ट जो भी है, उन्होंने क्या क्या वर्ड दिया है बिहार के परिप्रेक्ष्य में जाने में, कोपे में है उत्तरी बिहार को कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CWG। कई बार ये ऑनलाइन में क्वेश्चन आ जाता है CWG उत्तरी बिहार को किस तरह से हम संकेतिक करेंगे यानी सिंबल में आप इसको डिनोट करते हैं, तो ये आपका दक्षिणी बिहार में AW कैपिटल में रहेगा। अठरीवाद आपका देखेंगे उत्तरी बिहार में CAW है, आपका दक्षिणी बिहार में AW में, इस तरह से एक बार सिर्फ देख लीजिए, बाद में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब से TRE को लेकर के आए हैं सर कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मेरा दिमाग ही बंद हो रहा है पूरी दिन से। नहीं ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखिए, आप इंटरटेनमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है, कई महिलाओं को सीरियल देखने पसंद आता है तो आप छोड़े नहीं होंगे बिना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर कई लोगों को मूवी देखना पसंद होता है तो मूवी देखते होंगे, या फिर क्रिकेट खेलना है क्रिकेट के लिए, जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो आप कीजिए, 2 से 4 घंटा वो कीजिए, फैमिली से मिलिए, अपने माता पिता भाई बहनों से अच्छे से, अभी राखी का सीजन कंप्लीट हुआ है, आप लोगों ने मिला होगा, राखी अच्छे से मनाया होगा, तो वो कोरिलेट करते रहिए ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे, ये भी बहुत जरूरी है, जिस तरह से आपका फिजिकल हेल्थ जरूरी है, आपका इनर बिल्ट आपका इनर कॉलर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपका इंटरनली जो आप कितने आप फिट रहते हैं, इंटरनली फिट रहने के लिए वो सारी चीज़ें आपको जरूरत है। हाँ आपको सक्सेस पाना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, ये सारी दिक्कतें होती है सभी के साथ होती है, जो आपका आपके UPSC के टॉपर हो, BPSC के टॉपर हो, या फिर आपका TRE1 में जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, TRE2 हैं, यही सारे ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं, मानसिक जो असंतुलन आप बात कर रहे हैं अभी से, तो इस अपने आपको खुद संभालना पड़ेगा, या फिर अगर आपको नहीं हो पाते कुछ ऐसे टीचर्स या फिर मेंटोर या बड़े भाई या फिर टीचर किसी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बातें कीजिए, 10 मिनट बातें कीजिएगा तो उसके वाइब्रेशन है आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। कई लोग वीडियो ऐसे बनाते होंगे जिससे आपका संदीप भेज रही हैं, कई ऐसे वीडियो होंगे उनके वीडियोज़ को आप 10 मिनट आप 20 मिनट आप टाइम दे करके देख लीजिए, आपका एक मानसिक जो है वो चेंज हो जाता है, आपका जो स्थिति अभी है आप निगेटिव में हैं तो पॉजिटिव में चले जाएंगे, एक अलग ही माइंडसेट आपका थॉट्स क्रिएट हो जाएगा, फिर उसका एक लय बनता चला जाएगा, यानी इन द सेंस की ट्री बनता चला जाएगा। कभी आप सोचेंगे देख सकते हैं, अपने खुद माइंड को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जब पॉजिटिव विचार आना शुरू होता है
उससे जुड़े हजार पॉजिटिव विचारें निकलेंगे, अरे ये कर लेंगे, फिर ये करेंगे, ये प्लानिंग बनता है। और निगेटिव विचार का भी एक ट्री बनता है, जब उसका निगेटिव आना शुरू होता है, अरे अगर सिलेक्शन से नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद तो ज़िंदगी ख़त्म, ये भी एक आता है यहाँ पर। ज़िंदगी का सबसे बड़ा विजेता भी आप सिकंदर बन जाएंगे और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी। तो आप पर डिपेंड करता है कौन से ट्री को पकड़ते हैं, इस ट्री को पकड़ रहे हैं, इस ट्री को पकड़ रहे हैं, वो आपका चॉइस है, आपके चॉइस।